합니다. हेलो, हम आप सबको पेट हाईलाइट सीरीज में वेलकम करते हैं। आज जिस पेट को मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा वो एक आउल है, जिसका नाम हूट है। दूसरे दो रीसेंट पेट्स फिन और जासिल को पानी से आते हैं। हूट उन दोनों से अलग है क्योंकि वो आसमान से आता है। फ्लाई करने और ऊपर से देखने की एबिलिटी की वजह से हूट प्लेयर को एक फ्लेक्सिबल और बहुत अलग गेम प्ले देता है। हूट की स्किल दूर तक देखना है। दूर तक देखना आपकी रेंज और ड्यूरेशन इंक्रीज करेगा, जो हेल्प करेंगे आइटम्स और स्किल स्कैन करने में। इस स्किल का कोई कूल डाउन नहीं, सो इस तरह समझा जा सकता है कि वो मैच के शुरू से लेकर एंड तक खुद ही एक्टिवेट हो जाएगा। ये स्किल हर दफा लेवल अप पर चेंज हो जाएगी। लेवल 1 पर स्कैनिंग आइटम्स और स्किल के ड्यूरेशन बढ़ जाएगी 1 सेकंड और रेंज बढ़ जाएगी 10 मीटर से। लेवल 2 पर स्कैनिंग आइटम्स और स्किल की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी 1.5 सेकंड से और रेंज बढ़ जाएगी 10 मीटर से। लेवल 3 पर स्कैनिंग आइटम्स और स्किल की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी 2.5 सेकंड और रेंज बढ़ जाएगी 10 मीटर से। गेम खेलते वक्त ये स्किल आपको मैप कंट्रोल करने में अच्छे से मदद करेगी। अगर आप अकेले खेल रहे हैं तो आप जरूर हूट की स्किल का फायदा उठाएं और राइट मूव्स और टैक्टिक्स सेलेक्ट करें। अगर वहां ज्यादा दुश्मन है तो आप छुप सकते हैं, और दुश्मन नहीं है अगर तो आप मूव कर सकते हैं। अगर आप टीम के साथ खेल रहे हैं तो आप कमांडर होंगे जो टीम को लीड करेंगे, जो आगे बढ़कर दुश्मन को हराएंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि आप वो वाहिद होंगे जिन्हें दुश्मन की पोजीशन ज्यादा अच्छे से पता होगी। अलबत्ता क्योंकि ये स्किल सिर्फ चीजें स्कैन करने के लिए एक्टिवेट होगा, तो आपको मोहतात रहना होगा ताकि आप सही चीज और करेक्टर चूज कर सकें। अगला पार्ट आपको मदद करेगा सही डिसीजन लेने के लिए। सबसे बेहतरीन स्किल हूट के लिए क्लूज ट्रेसिंग स्किल है। स्किल यूजेज टाइम और रेंज बढ़ाएंगे और ये मदद करेगा स्किल्स को ऑप्टिमाइज करने में हर मैच के साथ। लेवल 6 पे ट्रेसिंग स्टेप्स लोकेट कर सकता है एनिमी पोजीशंस विद इन 75 मीटर, जो कि प्रोन या स्क्वाड पोजीशन में नहीं होते, और इट लास्ट फॉर 10 सेकंड्स। और अगर इसी हूट स्किल के साथ कंबाइन करें तो रेंज बढ़ जाएगी 85 मीटर तक एंड विल लास्ट फॉर 12.5 सेकंड्स। बहुत बड़ा नंबर है ओपोनेंट की डिटेक्शन स्किल के लिए। इसके अलावा मेमोरी लिस्ट ऑफ ओथो भी अच्छा कॉम्बिनेशन है हूट स्किल के साथ। लेवल 6 पे मेमोरी मिस्ट और लेवल 3 फार साइटेड, दुश्मन को एलिमिनेट करने के बाद जो दूसरे एनिमीज की पोजीशंस होंगे वो 85 मीटर एलिमिनेशन स्पॉट जो होगा वो रिवील हो जाएगा। आपके पास फिर ज्यादा वक्त और रेंज होंगे एनिमी की पोजीशन का पता लगाने में, ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। सबसे बेहतरीन आइटम हूट के लिए स्कैनर लोड आउट और UAV है। सबसे पहले तो जब आप स्कैनर को हूट से मिलाते हैं तो आपके पास ज्यादा रेंज होती है ये पता करने के लिए कि आप जिस एरिया पे लैंड कर रहे हैं उधर ज्यादा एनिमीज हैं या नहीं, ताकि आप एक सही गेम स्ट्रेटेजी शुरू से ही बना लें। और यूवी के लिए ये है कि अगर आप इसे हूट से कंबाइन करके एक्टिवेट करते हैं तो आपके पास सराउंडिंग रेंज देखने के लिए बढ़ जाएगी कि यहाँ कितने दुश्मन हैं, ताकि आप एक सूटेबल स्ट्रेटेजी बना सके गेम के बीच में। अगर यूएवी और हूट को सही तरह से यूज करें तो आपकी जीत पक्की है। और वेपन्स के लिए हूट स्किल अच्छे से कंबाइन होती है क्लू की स्किल्स के साथ, ओथो की स्किल और स्कैनर लोड आउट और यूएवी के साथ। सबसे सूटेबल वेपन लॉन्ग रेंज होंगे, जैसे कि AK-47, M4A1 और AWM। अगर स्क्वाड्स के साथ खेल रहे हैं तो आप सेफ लोकेशन चूज कर लें और लॉन्ग रेंज वेपन्स के जरिए स्कैन करें ओपोनेंट्स को देखने के लिए, ताकि आप टीममेट्स को असिस्ट कर सकें जो डैमेज को डील कर रहे हों। ये स्ट्रेटेजी मिलती जुलती है जब आप अकेले खेलते हैं, जैसे आप सेफ लोकेशन चूज करें और वाइड रेंजिंग वेपन से स्कैन करें और दूर से ही दुश्मन को एलिमिनेट करें। इस वीडियो में हूट स्किल्स के बारे में एक्सप्लेन किया है कैरेक्टर और आइटम्स के साथ और वेपन्स जो हूट के साथ कंपैटिबल हैं। उम्मीद है आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि हूट को कैसे यूज करना है फ्री फायर में। आपसे नेक्स्ट हाईलाइट में मिलते हैं। अब फ्री फायर में लॉग इन करते हैं और हूट एक्सपीरियंस करते हैं। नया क्या है फ्री फायर में? सब्सक्राइब करो, मालूम करो।